नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे कुछ मजेदार क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ मजेदार पहेलियां पूछेंगे जिनका आपको सही सही उत्तर हमें कमेंट करके बताना है। आंसर देखने से पहले कमेंट में अपना जवाब लिखें। तो जानते हैं आप कितने लॉजिकल हैं, कितने समझदार हैं। दोस्तों वो कौन सी चीज है जिसे लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? आपका आंसर 10 सेकंड में कमेंट में लिखें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका आंसर है लौंग। जी हाँ, लड़कियां लौंग को नाक में पहनती भी हैं और लौंग को खाती भी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा काम है जो आदमी जिंदगी में एक बार ही करता है लेकिन औरत उस काम को रोजाना करती है। जी हाँ, आदमी जिंदगी में एक बार करता है और औरत उस काम को रोजाना करती है। अपना आंसर 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में टाइप करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों वो काम है मांग भरना। जी हाँ, मांग भरना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो कार के साथ आती है और कार के साथ ही जाती है, कार के लिए किसी काम की नहीं है मगर कार इसके बिना चल नहीं सकती। अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए 10 सेकंड में। दोस्तों इसका आंसर है शोर, यानी कि नॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चार पैरों वाली वो कौन सी चीज है जिसकी जरूरत हर एक इंसान को होती है? जी हाँ, क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। चार पैरों वाली वो कौन सी चीज है जिसकी जरूरत हर एक इंसान को होती है? अपना आंसर फटाफट 10 सेकंड में दीजिए। अगर आपको ज्यादा समय की जरूरत है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका समय अब शुरू होता है। दोस्तों इसका उत्तर है चारपाई। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सी चीज है जिसने अभी तक दुनिया में पैर भी नहीं रखा परंतु फिर भी सबको दिखाई देती है? अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए। 10 सेकंड का आपके पास समय है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और इसका उत्तर है सूरज। जी हाँ, सूरज। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने बनाया है? जी हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने बनाया है? अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके पास 10 सेकंड है और आपका समय होता है शुरू। दोस्तों ऐसी चीज है बैलगाड़ी। जी हाँ, इसकी आगे की चीज प्रकृति की बनाई हुई है, भगवान की बनाई हुई है, लेकिन गाड़ी इंसान ने बनाई है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ऐसी चीज का नाम बताएं जो सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो हो जाती है। अपना जवाब फटाफट कॉमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपके पास 10 सेकंड का समय है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका उत्तर है सल्फर। जी हाँ, इसका उत्तर है सल्फर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए। एक ऐसी चीज का नाम बताएं जिसे चाहे जितने दिन फ्रिज में रख लो लोग उसे गर्म ही कहते हैं? अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए और हमें बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका आंसर है गरम मसाला। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक आदमी के दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां थी और लोग उसे रामू रामू कहते थे, ऐसा क्यों? पहले की तरह अपने आंसर को फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके पास 10 सेकंड का समय है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका आंसर है कि उसका नाम ही रामू था, इसलिए उसे रामू कहते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दोनों में से कौन ज्यादा भारी होगा, 100 किलोग्राम रुई यानी कि कॉटन या 100 किलोग्राम लोहा? अपना आंसर हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका आंसर है कोई भी भारी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का वजन 100 किलोग्राम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृक्ष की डाल पर 5 कबूतर बैठे थे, शिकारी ने गोली चलाई, एक कबूतर मारा गया, बाकी पेड़ पर कितने कबूतर बचे? अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपके पास 10 सेकंड का समय है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका आंसर है कि कोई भी कबूतर पेड़ पर नहीं बचा, क्योंकि एक कबूतर मर कर नीचे गिर गया, बाकी कबूतर गोली की आवाज सुनकर उड़ गए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक औरत एक आदमी को सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक चीज नहीं दे सकती, बताइए वो क्या? आपका जवाब हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका आंसर है कि औरत आदमी को मरने के बाद कंधा नहीं दे सकती। आशा है दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप भी हमें भेज सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को वीडियो में पूछेंगे, साथ ही आपका नाम भी सबको बताएंगे। तो फटाफट अपने क्वेश्चंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए।